अपनी फ्रेंड की हेल्प करोगे ना? नहीं पापा, टाइम कहाँ है मेरे पास? बेटा तुम्हें तो पता है गंगा के अंगूठे में चोट आई। नहीं बाबू, हमारे लिए सागर से विनती मत करो, हमें नहीं चाहिए इसकी मदद, हम खुद लिख लेंगे। भूल कर भी अपना मुंह मत खोल देना किसी के सामने, वरना हम क्या कर सकते हैं? अब लग तो समझ में आ गया होगा। सुधा जी, क्या बात है आप मुझे बताइए, जरूर कोई बात है, कोई ऐसी बात जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं? कोई बात नहीं है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा के लिए। ऑल द बेस्ट गंगा, तैयार हो ना? वेरी गुड, खूब अच्छे से परीक्षा देना। बता, बहुत बड़े स्कूल में जा रहे परीक्षा देने, दाखिले के लिए तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। और भगवान जी, बप्पा के साथ साथ तुम्हारा भी आशीर्वाद चाहिए। ज्यादा नहीं मांगते, बस इतने नंबर से पास कर देना, बस सागर के स्कूल में दाखिला मिल जाए, कि वो सागर वो बदमाश यश दोनों को बता सके कि हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। भगवान जी, हमारी बात ध्यान में रखोगे ना? पास करवा दोगे ना हमें? बप्पा, तुम भी चलना हमारे साथ परीक्षा देने। तुम चलोगे ना साथ में, तुम जरा सा भी नहीं घबराएंगे। अगर लिखते लिखते अंगूठे में दर्द होगा ना, हम तुमको देख लेंगे, हल्की सी फूंक मार देना, फिर ठीक हो जाएगा। चलो गंगा, मामा जी तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। कहाँ रह गई गंगा? आज हमारी परीक्षा है ना अम्मा जी, अपना आशीर्वाद दे दो कि हम पास हो जाए। अगर तुम हाँ नहीं कहती तो हम परीक्षा कैसे देते? अम्मा जी तुम बहुत अच्छी हो, और देखना तुम्हारे आशीर्वाद से हम पास भी हो जाएंगे। अम्मा जी आशीर्वाद दो ना। लेकिन ये टूटे हुए अंगूठे से लिखेगी कैसे? लिख लेंगे हम अम्मा जी, तुम चिंता मत करो। मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छे से पर्चा लिखना बिटिया, ईश्वर तेरे साथ है और हम सबकी दुआ भी। गंगा यहाँ बेटा। ये लो। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। गंगा चलें।
नहीं तो देर हो जाएगी। 9:30 बजे का टाइम है ना टेस्ट का। गंगा बेटा आराम से लिखना, सोच सोच के लिखना, सब आता है तुम्हें, ठीक है? मेरा मन कहता है गंगा की मेहनत और लगन बेकार नहीं जाएगी। इतने सारे लोगों की दुआएं इसके साथ, कहीं ये सच्ची में पास हो गई तो? हरे कृष्णा हरे मुरारी। सिलेबस की बुक लेके आते हैं। पापा मैं सिलेबस की बुक लेने जा रहा हूँ। बस बस बस, ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहीं बैठकर परीक्षा देनी है तुम्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चतुर्वेदी। अरे मुझे पता लगा था कि बच्चे के साथ कोई प्रॉक्सी लेटर आने वाला है, कहाँ है वो? गंगा खुद लिखेगी इस हालत में। हाँ मैंने बहुत कोशिश की कि हेल्प मिल जाए, लेकिन और गंगा किसी भी कीमत पर इस चांस को मिस नहीं करना चाहती है। तो लिख पाएगी ये? इतने शॉर्ट नोटिस में तो हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है मासूमी जी, हम कर लेंगे। देखो बच्चा, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। एनीवे अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो जरूर करो। बेस्ट ऑफ लक। आओ। अपनी हिम्मत से सपने के पीछे भागते भागते इतनी दूर तक आ गई हो तुम। इस हिम्मत को टूटने मत देना, किसी का हाथ थामे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी। इस बात का भरोसा है मुझे। परीक्षा शुरू होने वाली, बिल्कुल मत घबराना, अपना ख्याल रखना। और एक बात याद रख, मन से ही इंसान की जीत होती है और हार भी मन से ही होती है। अब तक तुमने निराशा को अपने पास नहीं आने दिया, अभी भी मत आने देना। फिर देखना तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी।
चल गंगा, मैं यहीं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। ऑल द बेस्ट। तो अभी तक आए नहीं, उनके आने के बाद ही बुक्स मिलेंगी। क्या हुआ, तू क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आइडिया, सर के अंदर टाइम पास करना पड़ेगा ना, तो जाके देखे कि वो अकड़ू गुंगा क्या कर रही है, एग्जाम दे रही है या बापा बापा बोल के रो रही है। नहीं यार, तू जा। चलना, मजा आएगा। नहीं, चलना यार। कीप साइलेंस। ये लो, ये तुम्हारी क्लास का एग्जाम पेपर। देखो से लगता है रोने लगेगी, लिखने नहीं हो रहा।
तकलीफ तो बहुत हो रही है उसे, लेकिन कमजोर नहीं पड़ेगी वो। पूरे जोश से पेपर लिखने में लगी हुई है, पर मुझे गंगा की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं उसके अंगूठे का दर्द ना पड़ जाए। बहुत दर्द हो रहा है पापा, हमारे हाथ को थोड़ी ताकत दो ना। दर्द बढ़ गया तो पेपर कैसे लिखेगी वो? हाँ, मैं अभी बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी तरह से अपना पेपर पूरा कर ले, नहीं तो दिल टूट जाएगा बच्ची का। ठीक है माधुरी, जैसे ही बाहर आएगी तो मैं बात करवाता हूँ, ओके? सागर कहाँ है? यश, सागर कहाँ है? लिखता हूँ तेरे पेपर। अच्छा, तो आ गया तुम्हारा प्रॉक्सी राइटर। हाँ मैम, इसका पेपर मैं लिखूंगा। जहाँ पता है जब मैं लिखता हूँ। हमारे देश का नाम भारत है। गलत जवाब। तो हम तो कह रहे हैं लिखो ना। ये भी गलत जवाब। अरे बोला ना, तो हम बताएंगे भाई लिखो। दस मिनट रह गए, जल्दी करो। जल्दी लिखो ना। लिख तो रहा हूँ, और कितनी जल्दी लिखो, तू ही सोचने में इतना टाइम लगा रही है। अच्छा चकरा बात नहीं करनी है, पहले लिखो। लिखना बंद करो, टाइम अप हो गया है। क्या काम है मुझे, ने सुना नहीं दिया? टाइम हो गया, लिखना बंद करो। तेरी लिए लिख रहा हूँ बुद्धू। हो गया। बनाने नहीं सकता। गंगा की हेल्प क्यों की? शाबाश सागर, शाबाश। कैसी रही परीक्षा? गंगा, खून बह रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। Thank you.
क्या हुआ? सारे सवालों के जवाब नहीं दिए क्या? जवाब दिए पापा, लेकिन बहुत सारे आंसर रॉन्ग थे। मैंने बोला भी इसे, लेकिन हमने कहा ना ईमानदारी से पास होना है हमें, बेईमानी नहीं करते हम। लेकिन ऐसी ईमानदारी से कैसे पास होगी तू गलत जवाब देकर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। गंगा ने कोशिश की है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहती तो बेईमानी कर सकती थी, लेकिन नहीं। रिजल्ट चाहे जो भी आए, देखा जाएगा। तुम क्यों ऐसी बातें करके गंगा को अपसेट कर रहे हो? इसने कुछ सवालों के जवाब तो सही दिए होंगे ना? हाँ पापा, आंसर दिए, लेकिन बहुत सारे आंसर गलत थे, इसलिए तो बोल रहा हूँ ये पास नहीं हो सकती।